अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सफर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। और अभी इवनिंग का टाइम, तो हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने, बिकॉज बहुत दिन हो गया हम घूमने नहीं गए और आज मौसम भी अच्छा है, काफी दिनों से बारिश, काफी बारिश हो रही थी, इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। और आज बहुत धूप है, देखो जब बारिश आती है तो ठंडी, मतलब थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है, और आज एक दिन क्या धूप आया, पूरा गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए हम जा रहे हैं थोड़ा माइंड फ्रेश करने बाहर। और मैं बहुत दिन से बाहर घूमी करने भी नहीं गई हूँ, तो आज हस्बैंड जी का छुट्टी था तो मैं बोली आज मैं घूमी करने जाऊंगी। क्या होता है कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी इनको टाइम नहीं मिलता, तो आज हम दोनों फ्री है तो हम चलते हैं आज घूमने, और वहाँ से कुछ इवनिंग है तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी करते आएंगे, थोड़ा सा और साथ में ब्लॉग भी बन जाएगा ना, ऐसा तो ब्लॉग बन नहीं पाता, तो इसी बहाने ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। तो चलिए गाइस हमारे साथ चलते हैं, और चलिए और आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। इससे पहले हमने एनिवर्सरी ब्लॉग डाले थे, मम्मी पापा का जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए थे वो वाली ब्लॉग, तो कई सारे हमारे सब्सक्राइबर, मतलब हमारी सिस्टर और हमारे भाई, बहुत सारे लोगों ने सब क्वेश्चन किया था कि क्या आप अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हो। हाँ, मेरे लिए क्वेश्चन आया था, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं मम्मी पापा की इकलौती नहीं हूँ, हम तीन भाई बहन है, मतलब कि मैं बीच की हूँ, मुझसे बड़ी एक दीदी है और एक छोटा भाई है, और दीदी की मैरिज हो चुकी है तो वो भी बाहर रहती है, और मेरा भाई बाहर जॉब करता है, और मेरा मैके भी यही है, ससुराल भी यही है, तो इसीलिए हम दोनों ने मिलके मम्मी पापा का सेलिब्रेट किया, और मेरा मम्मी पापा के घर आना जाना होते ही रहता है, पास में ही है, तो बस इसी कारण मैं सेलिब्रेशन ब्लॉग में अकेली दिखी। आई थिंक आप सबका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हम, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे हम तीन भाई बहन हैं, बट सब बाहर रहते हैं, इस वजह से हम दोनों आए हैं मोमोज खाने, काफी दिनों बाद, बहुत दिनों के बाद, और मेरा तो आज बहुत मन था, इसलिए मैं सोनू जी को बोली कि चलो चलते हैं मोमोज खाने, और गर्मा गर्म मोमोज आ गया, यम्मी मोमोज, बड़े दिनों के बाद। मेरे तो अभी पकौड़े बन रहे हैं थोड़ी देर बाद, हाँ इनके अभी पकौड़े बन रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद आएंगे, तब तक हम मोमोज एंजॉय करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पार्क है, और हम वैसे पार्क घूमने नहीं आए, बट मैं थोड़ा सा व्यू ले ली, यहाँ पे हम आए थे मोमोज खाने, तो बगल में पार्क है, देख सकते हो बहुत प्यारा है पार्क, बट अभी इवनिंग का टाइम है, अंधेरा हो गया है तो व्यू अच्छे से आ नहीं रहा है, और बरसात का टाइम है तो आजकल बच्चे भी कम आते हैं पार्क में, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मेरा पकौड़ा आ गया, जल्दी जल्दी से पकोड़े खा लेते हैं, गरम गरम, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और मैं भी सोनू का पकोड़ा शेयर, मेरे साथ शेयर करना। हाँ बिल्कुल शेयर करूँगा, देखो काफ़ी भीड़ है मोमोज ठेले में, देख सकते हो अभी हम लोग गुपचुप खाने आए हैं, गुपचुप खाना मना है बट मैं थोड़ा सा खा, आप देख सकते हो सीनू को मना है फिर भी सीनू खाने आई है, बोलिए हल्की फल्की खा लेते हैं थोड़ा बहुत, चलिएगा जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम आए हैं ए टू जेड सिल, और यहाँ सारे सामान मिलते हैं, तो अभी आप चल के आपको उसका व्यू दिखाते हैं यहाँ, और यहाँ पे देख सकते हो वॉच वगैरह है, और इधर भी बाथरूम क्लीनिंग के सामान है, और आगे चलते हैं, यहाँ पे बॉटल्स वगैरह है फ्रिज वगैरह के, आगे चलते हैं, और अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो अभी हम लोग फुटवेयर वाले काउंटर के पास है, ये सीलू अपने लिए जूती देखने आई है, देख सकते हो चूज कर रही है, काफी दिनों से बोल भी रही थी मुझे चाहिए चाहिए, ये एक छोटा सा मार्केट टाइप का है, ये है तो बहुत सारे सैंडल, बट मुझे कोई पसंद नहीं आ रही है, इसलिए बहुत चॉइस, साइज भी नहीं मिला, और बाकी और कुछ मुझे अच्छे लग नहीं रहे, दूसरे पीस पसंद आ नहीं रहे, तो चलते हैं आगे, अब सैंडल लेना था बट पसंद तो आया नहीं, तो फिर चलते हैं, जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला। यहाँ पे किचन्स के सामान हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सारे किचन के सामान है, इधर भी ऊपर कंटेनर वगैरह सारे किचन के सामान यहाँ अवेलेबल है, ये पॉट वगैरह है, फ्लावर्स वगैरह है, बहुत प्यारा लग रहा है व्यू,
तो पॉट वगैरह भी है यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे हैं। और इधर घर के सामान है, देख सकते हैं आप, बाल्टी वगैरह, आप मॉप वगैरह है। हाँ, कितना प्राइस उसका? 65। अच्छा, तो यहाँ पे ये सब सामान है, बाल्टी है, मॉप है, क्लीनिंग के सामान है, क्लीनिंग के सारे यहाँ पे सामान अवेलेबल है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट आइटम हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। सीनरी वगैरह भी है ना यहाँ पे, भी कितने प्यारे प्यारे सीनरी हैं, अच्छे लग रहे हैं। और सीनरी है यहाँ पे सारे गिफ्ट के, यहाँ पे मेकअप बॉक्स वगैरह, मेकअप बॉक्स बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे टैडी बियर लग रहा है, मतलब यहाँ पे सारे गिफ्ट के आइटम हैं। और देख सकते हो सीनरी कितना प्यारा लग रहा है गाइस, सीनरी बहुत प्यारा लग रहा है ना, कितने प्यारे प्यारे सीनरी हैं। ये देखो, और वो वाला देखो, पर्स की कलेक्शन है, देख सकते हो छोटे छोटे पर्स है। हाँ, यहाँ पे पर्स की कलेक्शन है, नहीं तो झूमर वगैरह। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा क्लॉक है, और ये हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, इस टाइप से गिफ्ट आइटम है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज बारिश नहीं हुई, मैं तो सोच रही, मैं डर रही थी कि हम रास्ते में ही फंस जाएंगे, बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई, सिर्फ बिजली चमक रही थी, बट बारिश बिल्कुल नहीं हुई, रात में होगी, नाइट में। हाँ, तो अभी मैं जस्ट घर आई हूँ और खाते पीते आई, मतलब और मम्मी के लिए थोड़ा सा वो लेके आई है। और मम्मी के लिए मैं एडिलेड से गई थी ना, तो वहाँ से मैं सोची मम्मी के लिए कुछ ले लेती हूँ, और ये मैं रबर बैंड ले ली सावन में, ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है, ग्रीन, और ये ग्रीन मतलब नग वाली ग्रीन टाइप्स कलर की साड़ी पिंक मैंने मम्मी के लिए लिया, और ये भी मैंने मम्मी के लिए लिया, आज मैंने मम्मी के लिए ही शॉपिंग कर लिया। ये साड़ी पिंक कितना प्यारा लग रहा है ना, ये रेड कलर की आप देख सकते हो आप, और ये ग्रीन वाली भी शॉपिंग मम्मी के लिए हुई है। ये दोनों देखो, ये ग्रीन वाली कितनी प्यारी लग रही है, ये वहाँ क्या है काफी मतलब कम रेट में, और ये वाला हस्बैंड ने चॉइस किया, सब सब बहुत मतलब कम कम रेट में मिले, वो टू डेट सेल में हर चीज अच्छे सस्ते मिलते हैं। और देखो ये मैं अपने ले ली क्लचर, तो बस मेरे पास थे सारे, मैंने तोड़ दिए, क्या एक एक बार में टूट जाता था मुझसे, और ये वाला मैं अभी लेके आई अपने लिए। ये हर वीक में एक दो ठोई लेती रहती है सिलू, इसको कहीं छोड़ देती है, कहीं घूम जाता है, टूट जाता है, और अच्छा है बाकी तो। और ये रबड़ सावन का ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन कलर। हाँ, सोनू जी ने कहा ग्रीन कलर ले लो, ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ग्रीन कलर ले ली, क्योंकि ब्लैक व्हाइट नॉर्मली सभी यूज करते हैं, और सिलू के पास भी है ऑलरेडी। ये साड़ी पिन मुझे बहुत प्यारे लग रहा है, ये रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, और ये ग्रीन वाला भी, तो ये सब मैंने मम्मी के लिए ले लिया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची मम्मी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। तो गाइस बस गाइस इतना ही शॉपिंग की, और आपको ए टू जेड सेल का व्यू भी दिखाई, अब बताना कैसा लगा, और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, एंड इस तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, एंड दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।